जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव Yeah.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः अवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में आगे बस श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाधिक महाराज आगे आसिक बसंतु आज बेस कीर्तन करवा आज एकादशी अच्छी कड़ा सर हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सचिनंदन गौर हरि अपना माता जी को जैसे भगवान कपिल देव ने माता देहोती को उपदेश प्रदान की थी उसी तरह श्री महाप्रभु भी उपदेश दे रहे थे। बोले मैया जब तक जीवन में सत्संग नहीं करते हैं जो भी कुछ कर ले जीव का उद्धार होना कठिन है, इसलिए माँ जीवन में सत्संग करनी चाहिए। इसलिए यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद विभिन्न शास्त्रों से श्लोकों को लेकर के कहाँ 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 पर साधु संघ की महिमा बताई गई यहाँ पर बहुत श्लोक को उन्होंने उत्थापन किया है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कि भगवान कपिल देव अपना माँ को बताए थे, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो सनासो अपवर्ग बर्मनि श्रद्धा भक्तिर कहते माँ क्या करो। बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो क्या करो, बोले मेरे संतों का तुम संग करो। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले जहां तहां से कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए साधु से कथा सुननी चाहिए और साधु से कथा नहीं सुननी चाहिए है, साधु से ही कथा सुननी चाहिए। अभी प्रश्न है कहते हम साधु से ही क्यों कथा सुने और गुरु जी से जो मंत्र ग्रहण करते हैं हम गुरु जी से क्यों मंत्र ग्रहण करते हैं, साधु से ही कथा क्यों सुननी चाहिए, इसका क्या कारण है। इसलिए श्री
जीव गोस्वामी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते ऐसे कुछ वृक्ष है जो वृक्ष को अब डायरेक्ट वृक्ष से बीज लेकर के कहीं अगर बोएंगे तो वो वृक्ष नहीं होगा। कहते ऐसे ऐसे कौन सा पेड़ है? कहते श्री बरगद पेड़ है, श्री पीपल पेड़। हमारा बगीचा में देखना कैसे, कहाँ पर पीपल हुआ है? पत्थर में। कहाँ पर हो गया? पत्थर में। पीपल पेड़ है ना, जहाँ कहते हैं, कहते वहां पर पीपल का पेड़ हो गया और सीमेंट का अंदर भी पीपल पेड़ हुआ है। कहते कि कारण क्या? बोले कारण है, कहते वो वृक्ष तभी होता है जब वो कभी भी आप लोग बरगद और पीपल पेड़ को नीचे ये दो वृक्ष नहीं दिखेगा, कहीं छत के ऊपर में, कहीं पेड़ के ऊपर में, वहां वहां ये सब वृक्ष दिखती है। बोले क्यों? कहते वो वृक्ष का एक नियम है, उसको कोई चिड़िया खा ले, अगर वो बीज चिड़िया के पेट में जाए और उसको पेट में ऐसे कुछ रस है और रस को साथ में मिले, जब वे चिड़िया उसको बीट करता है, पायखाना करता है, तभी उसी से वृक्ष होता है, हैं? और वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है। क्या क्या तीन चीज जरूरत है? पहला नंबर माटी मिट्टी, दूसरा नंबर में पानी, तीसरा नंबर में हवा। जब ये तीन चीज हो ना तभी कोई वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होता है। लेकिन जहां पर ये दोनों पेड़ है, पीपल पेड़ और बरगद का पेड़, कहते छत के ऊपर में जहां पर कहीं मिट्टी नहीं, वहां पानी भी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, इसलिए और ऐसे वहां पर वृक्ष होता है। अगर वो वृक्ष को कभी उसको कभी उखाड़ दो ना, है उसको कभी पत्ते पत्ते को तोड़ पड़ भी दो, फिर वहां पर दोबारा वहां से वृक्ष फिर दोबारा हो जाता है। और इतने जोर जबरदस्ती वृक्ष होता है, छत को तोड़ देता है, फाड़ देता है छत को। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जीव गोस्वामी, उदाहरण देते हैं, कहते उसी तरह जब हम किसी साधु से कथा सुने, किसी सद्गुरु से मंत्र दीक्षा को ग्रहण करें, क्या होता है? जैसे हृदय उर्वर होनी चाहिए, जैसे पीपल पेड़ बरगद हृदय उर्वर होनी चाहिए, मिट्टी हवा और वहां पर पानी चाहिए, लेकिन जैसे वहां पर वृक्ष हो गया, उसी तरह कहते जहां पर कोई भी भक्ति की, जहां पर कोई लवलेस भी नहीं, अगर वहां पर साधु का संग हो जाए ना, वहां पर भी उनके हृदय में भक्ति की संचार साधु लोग कर देते, भक्ति संचार कर देते। जैसे कौन है? श्री नारद जी, देखो हैं। इसलिए नारद जब वाल्मीकि को साथ में मिले, पहले कौन था? दसु रत्नाकर था। जब दसु रत्नाकर से मिले, बोले बाबा निकालो क्या माल गोड़ी, निकालो क्या? बोले भैया संत है हमारे पास, लोटे सोटे लंगोटे और तो कुछ है नहीं। बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने कहा ये बताओ, तुम ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाते हो, ये पाप को कौन ग्रहण करेगा? बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, पिता माता। बोले ये सबके सब सुख का समय में तेरे साथ दे रहे हैं, लेकिन जब कर्म का फल भोग करोगे ये कोई भी तुम्हारे साथ नहीं देने वाले, कुछ करके आओ। बोले वाह बाबा तो बड़ा चतुर है, पूछने जाओगे तो भाग जाओगे यहाँ। बोले तुमको पेड़ में बांध करके जाता हूँ, इसलिए उनको पेड़ में बांध करके गए। और जब पत्नी से पूछे क्या तुम मेरी पाप लोगी? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तुम्हारा, मेरे को पता नहीं तुम कैसे पैसा कमाते हो। बच्चों को पूछे, बोले हम तो बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें लालन पालन करना, जब हम बड़े हो जाएंगे फिर सोचेंगे कैसे क्या करना, हम पाप लेने वाले नहीं। पिता माता को पूछे, बोले तेरे को जन्म देकर इतना बड़ा क्यों बनाया, इतना बड़ा क्यों बनाया, इसलिए हमें कुछ पता नहीं तुम कैसे पैसा कमाते हो। जो कोई भी पाप लेना नहीं चाहा, बोले भैया ये नारद जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ये सबके सब सुख में है, ये कोई भी दुख में नहीं रह गए। फिर वहां से वापस आया, आकर के नारद जी को रस्सी खोला, खोल करके चरण में गिर पड़ा। बोले बाबा ये संसार तो बड़े विचित्र दुनिया है, ये संसार बड़ा विचित्र, मैं तो सोच रहा था ये सबके सब पाप ग्रहण करने वाले, लेकिन तो कोई भी पाप तो ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे, बताओ अभी मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।
जोर से बोलो राम। लेकिन उसका मुंह से भगवान का राम का नाम भी नहीं निकला है, भगवान का नाम भी नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले बरा बरा तो बोल सकते, बोला ये तो बोल सकता। इसलिए उन्होंने कहते उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन भाई है। इसलिए उल्टा नाम जप करते करते मरा करते करते क्या हो गया, वाल्मीकि हो गया, और रामचंद्र आने से पहले राम लीला को देख लिया। इसलिए यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं जो उसर हृदय है, जहां कहीं भी भक्ति की वही चांद से नहीं, अगर शुद्ध साधुओं का अगर दर्शन हो जाए तो कृपा हो जाए ना, बास उनका हृदय में भी भक्ति को संचार ये साधु लोग कर देते हैं, इतने इनकी महिमा इनकी इतना है, हाँ इतना। इसलिए जो व्याद को नारद जी कैसे परिवर्तन करवाए, जब नारद जी जा रहे थे देखा एक सुअर एकदम तीर से भेद किया हुआ, खून निकल रहा है, छटपट 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 कर रहा है, और थोड़ी दूर गए देखा एक हिरण भी वो आधा बरा पड़ा हुआ, छटपट छटपट खून से लथपथ हो रहा है, और थोड़ी दूर गया देखा एक खरगोश है वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। बोले ये क्या है, ये सो आधा मर क्यों, आज छटपट छटपट क्यों कर रहे हैं। नारद जी देखा एक काला लंबे चौड़े है एकदम भयंकर मूर्ति जैसे, और वो एक पेड़ को आड़ पर खड़े होकर के एक हिरण के ऊपर में बाण संधान करना चाह रहा था। जब इतने में श्री नारद जी वहां पर आए ना, और नारद जी को देखते ही हिरण तो भाग गया, तो वो जो ब्याद को तो बड़ा क्रोध आया, बोले हे बाबा वो काम धाम तेरा नहीं, मेरे शिकार को तुमने बिगाड़ दिया है। लेकिन नारद तो साधु है, नारद तो साधु है, और साधु दर्शन में तो बहुत महिमा, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण। इतने में नारद जी ने पूछा ये बताओ, हमने देखा रास्ता में कुछ जानवर मरे पड़े हुए, वो आधा मरे हैं और छटपट छटपट कर रहे थे, ये किसने सब किया है। बोले मैंने किया। बोले भैया मारना तो पूरा मार दो ना, आधा मरा करके क्यों छोड़ दिया। बोले पिताजी से मैंने ये सीखा है, और जब कोई छटपट करते है ना उसको देख करके हमें बड़ा आनंद मिलता है। बोले देखो कैसे जीवन है, किसी को आधा मार दो छटपट करे तो उसको आनंद मिलता, कैसे इनका जीवन कैसे है, जीवन कैसे है। इतने में बोले भैया मारना तो पूरा ही मार देनी चाहिए। बोले नहीं, इसमें हमका खुश आनंद मिलता है हमें। इतने में नारद जी ने कहा ये बताओ, तुमने जो पाप कर्म कर रहे हो, जो मार रहे हो, इसका पाप को कौन ग्रहण करेगा। इसलिए दूसरे जन्म में तुम भी यही जानवर बनोगे, और जानवर भी तुम्हें मारेंगे है। इसलिए उसका नाम मांस, मांस मतलब क्या, मांग मतलब मुझको, स मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको तू खा रहे ना बाद में तेरे को वही खाएंगे। इसलिए मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट है, और ईट मी ईट ईट मी, मतलब जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुम्हें खाएगा। इसलिए भागवत में क्या बताए, बोले जे तो नहीं वो विद संत सदा सदभिमानी न पतुन पसुन द्रुहंत प्रसत्या प्रत्याघादंती चेतता। इसी जन्म में हम जिसको मार करके खा रहे हैं, अगली जीवन में फिर वही हमें मार करके फिर वही हमें खाएगा है। इसलिए जब नारद जी बोले देखो हम तुमको दिखाता, तुम देख लो, बस नारद जी उनको सचमुच से दिखा दिया, जितने जानवर को उसने मारा था सारे जानवर उसको मार रहे थे है? सब उसके सब जानवर उसको मार रहे थे, उनने देख लिया डायरेक्ट रूप में। जब देख कर उसको घबरा गया, बोले कितने मैंने जानवर को मारा, ये सबके सब मेरे को मारेंगे। बोले भैया पाप कभी अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है। बोले बताओ अभी करना क्या, बताओ मेरे को। बोले भजन करोगे, बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले पहले ये धनुष को फेंको। बोले वाह, धनुष फेंक देंगे तो यही तो हमारी जीविका है, इससे तो हमारी घर गृहस्थी चल रहा है, तुम कह रहे हो उसको ही फेंक दो। बोले चिंता मत करो, खाने पीने का कोई चिंता मत किया करो है, सब खिलाने वाले ठाकुर जी है, इसलिए मंत्र लो, भगवान की भजन करो। बस उन्होंने उनको मंत्र दे दिया, बोले यहीं पर बैठो और भगवान की भजन करो, भक्ति करो यहीं पर,
हैं, भक्ति करो। इसलिए एक दिन श्री नारद जी अपना शिष्य, क्या नाम पता, हाँ पर्वत मुनि को साथ में कुछ दिन बाद में जा रहे थे। नारद जी पर्वत मुनि को बोले, चलो यहाँ पर मैं एक चला रहता है, चलो इस चेले को दर्शन करते हुए जाते हैं। जब श्री इतने में जब आ रहे थे नारद जी दूर से, पर्वत ऋषि दोनों आ रहे थे, जब गुरु जी को दूर से देखा, गुरु जी को दूर से देखते ही खड़े हो गए, बोले गुरु जी आ रहे हैं, और भाग रहे हैं गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। और जब भाग रहे थे ना, उसी समय में प्यारे को नीचे कोई चींटी नहीं आ जाए, अपना कपड़े से उसको साफ करते 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 जा रहे थे। इतने में नारद जी पर्वत मुनि को बोले, देखो इसका पूर्व चरित्र ये है, पहले जानवर को आधा मरा करके छोड़ देता था, हैं आधा मरा करके छोड़ देता था, अभी देखो प्यारे को नीचे कोई चींटी भी नहीं मर जाए, उसके लिए चींटियों को हटा हटा कर जा रहे। नारद जी आप तो पारस पत्थर हो, पारस पत्थर क्या करता है, लोहे को भी वो सोना बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए, कथा साधुओं से कथा सुननी चाहिए। साधुओं से क्यों कथा सुननी चाहिए, बोले कारण है, क्या कारण है, कथा क्यों सुननी चाहिए साधुओं से। इसलिए श्री जीव गोस्वामी क्या उदाहरण देते हैं, जैसे पीपल का पेड़, जैसे श्री बरगद का बीज है, जैसे नियम है, क्या नियम, किसी चिड़िया के पेट में जब जाए, उसका पेट में जो रस को साथ में जब मिले, फिर जब वो कहीं पीट करता है, वहां पर पत्थर होने पर भी है, वह पत्थर भी पानी नहीं मिट्टी नहीं वहां भी बिखर जाता है। इसका मतलब होता है उस हृदय में भी भक्ति को जो संचार करने वाले कौन है, साधु लोग, ये साधु लोग है। इसलिए कहते कथा कहते माँ कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले कथा सुननी चाहिए साधुओं से, कथा सुननी चाहिए तस्मिन महान मुखरितम मधुवीश्चरितम। इसलिए महान पुरुषों के मौन से जब कथा सुनेंगे, कहते वो जो कथा है ना, फिर तो हृदय में हमारी काम करेगा, हृदय में काम करेगा। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते, कथा को एक बिजनेस बना दिया, कथा को एक बिजनेस से बना दिया, और कोई कथा से भक्ति से कोई मतलब नहीं है, कहते अगर वो कथा सुनने पर क्या होगा, कहते उनके हृदय में जो भावना है ना, फिर तुम्हारे हृदय में आएगा, लेकिन हृदय में भक्ति की भावना, भजन की भावना नहीं आएगा। देखो जगत में कितने कितने कथाकार लोग हैं, कितने जगत में लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोई परिवर्तन क्या हो रहा है, किसका हृदय को कोई बदलाया क्या, किसका हृदय कोई बदला पाए नहीं, क्यों नहीं बदलते, कारण है जो कथा बोलने वाले व्यक्ति है ना, उसका खुद हृदय नहीं बदला, फिर दूसरा का हृदय कैसे बदलेगा, बदला नहीं सकते हैं, हैं? लेकिन जिसका हृदय बदला हुआ जीवन, भजन करने वाले व्यक्ति दूसरों को भजन करा सकते हैं। इसलिए कहते बोले मैया जो कथा है ना, बोले सतांग प्रसंगात है, इसलिए क्या करनी चाहिए, साधु की प्रसंग में बोले प्रसंग, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सतान प्रसंगात। इसलिए कभी यहाँ संग नहीं बताया, क्या बताया यहाँ पर, इसको प्रसंग बताया, बोले प्रसंग मतलब क्या है, बोले प्रसंग मतलब होता है, कहते भैया जो जू जू होता है ना, उंकुड़ी उंकुड़ी, कहते ये जो जू कीड़े देखना साधुओं की जटा में भी होता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका खून चूसता है, क्या करता है, उसका खून को वो चूसता है, हैं, इसलिए रहता है साधु के पास में, लेकिन रहते हुए उसका वो खून चूसता है, वो थोड़ी सी वो संग कहते हैं, नहीं ऐसा संग नहीं, संग मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, संग मतलब होता है पूर्ण रूप में साधुओं का जो आचरण है, उनका जो आचरण है, उनका जो भजन पद्धति को अपना जीवन में उतारना, ये साधु संग। ऐसे नहीं साधु को साथ में रहते हैं, उसको साथ में खाते हैं, उनको साथ में सोते हैं, ऐसे करने से साधु, उसको साधु संग नहीं कहते, उसको साधु संग नहीं कहते। इसलिए उनका भजन चरित्र, उनका भक्ति को अपना जीवन में उतारनी चाहिए, तब उसको संग कहते हैं, नहीं तो उसको संग नहीं कहते हैं। इसलिए यदि सतांग प्रसंगात वाले मम वीर्य संविदो, कहते वो जो कथा है ना, बड़ा वीर्यवती, बड़ा बलवान कथा है, बड़ा बलवान कथा है, ब्रजवती कथा है,
एक उदाहरण देकर समझाते हैं वो कथा बीरजवती कथा। उदाहरण दिया है, देखना एक जो लड़की वो शादी होने से पहले उसका मन इधर उधर भटकती, इधर उधर चंचल, इधर उधर 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 कहीं उसकी मन भटकती। लेकिन उसका पेट में जब कोई बच्चा आ जाती है ना, पेट में जब कोई बच्चा आ जाती है, जो इधर उधर जो भटकती है मन, जो चंचलता कम हो जाती है। पर वो क्या करती है, अपना गर्भ में जो बच्चा है आ गया, अभी वो बच्चे को कैसे लालन पालन करे, उसको कैसे शिक्षा प्रदान करे, अभी उसका आसक्ति चित्तवृत्ति वो बच्चे के ऊपर में ही लग जाती है। फिर उसका मन इधर उधर और नहीं भटकती है, नहीं भटकती है। इसलिए जब हम साधु संग करते हुए हम उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं ना, है इसलिए मामा बीरज या बीरज शब्द आता है, है जैसे बीरज को द्वारा संतान उत्पन्न करता है, उसी तरह जो कृष्ण कथा क्या करता है, हमारा हृदय में कृष्ण को साक्षात भगवान को कथा भगवान को प्रकट कर देता है भगवान को। इसलिए मामा बीरज संपित बोल भवती रीत कर्ण रसायन कथा। कहते वो कथा कैसे है, कहते हृत कर्ण, कहते हृदय और जो कान है, कहते ये दोनों को रस देने वाली ये कथा है। क्या देने वाले, इसलिए ये कान कान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है कान का, रस। कान का क्या स्वभाव है, रस पान करना इसको। इसलिए देखो कान को दौड़ा जैसे बनाए ना, तस्मिन महन वो करीता मधु विचरित्र ताजे पीबंत निपकार करने। इसलिए कान को दौड़ा जैसे बनाया, क्यों दौड़ा बनाया, जैसे दौड़े में हम पीते हैं उसी तरह ये कान रूपी दौड़ में क्या करते हैं, भर भर करके कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान करनी चाहिए। इसलिए बोले हृत और कर्ण, कहते हृदय और ये कान को, ये जो कथा है ये रस देने वाले ये कथा है। इसलिए तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलमसा अपम। इसलिए कहते हृत कर्ण हृदय और कान को ये रसायन देने वाले। रसायन क्यों बताया, कहते एक रसायन होता है, है? ये दशमूला रिष्ट होता है, दस तरह का जड़ी बूटियों से वो रसायन बनता है। कहते उसको पीने से कहते शरीर का जितने बीमारी है ना, सारे बीमारी को ही खत्म कर देता है, सारे बीमारी, और शरीर में एकदम ताकत दे देता है, हर चीज को पूरी करके शरीर को एकदम हृष्ट पुष्ट बना देती है, एकदम ताकत देती है। कहते कृष्ण कथा करती है क्या, पर हृदय और जो कान को मजबूत बना देती है। क्या कर देती है, हृदय कान को ये मजबूत बना देती है, हृदय और कान को हरित कर्ण रसायन है। जैसे उसको पीने से हरी शरीर हृष्ट पुष्ट कर देता है, उसी तरह जब हम कथा सुनते हैं ना, देखना ये जो भक्ति का जो जीवन है, ये भक्ति का जो जीवन है ना, एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाती है। केवल जैसे घर छोड़ कर आ गया, मंदिर में रही, कोई कथा बता कुछ नहीं, देखना वो भक्ति ज्यादा दिन नहीं रुकती, भरे वो भक्त ज्यादा दिन भक्ति वो ज्यादा दिन नहीं कर। क्यों भक्ति क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, भक्ति करने से क्या होगा, नहीं। इसलिए कहते हैं धर्म सुनिष्ठित राजन विश्वक्सेन कथा सुच न उत्पादयत यदि रति श्रम एवहि केवलम है। इसलिए सारे चीज को वर्णाश्रम धर्म को सबको चीज को बढ़िया करके पालन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि नहीं है, कहते सब जीरो हो जाएगी। जैसे एक लड़का लड़की को प्यार करता है, एक लड़की लड़का को प्यार करता है, आप देखना उसकी कहीं कथा हो ना, उसका कान खड़ा हो जाता है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले उसको प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है। देखना जब प्रेम करता है ना, हाथ में उसका नाम, दीवार में उसका नाम, उसको कॉपी में उसका नाम लिखते हैं, सब जगह में उसका नाम लिखते हैं। बोले कारण क्या है, कारण क्या, उसको प्रेम करता है, वो उसको प्रेम करती है, है? इसलिए कहते जो जिसको प्रेम करता है, है? प्रेम करता है जिसको, उसको उसको प्रेम करने पर तभी उसकी कथा सुनने। उसी तरह कहते हम भगवान को प्रेम करते हैं, इसका क्या लक्षण है, कहते उनकी कथा में अच्छी लगती है, उनकी कथा में अच्छी लगती है। जिसको जितने भगवान की कथा अच्छी लगती है, जिसको जितने अच्छी लगती है, क्या समझनी चाहिए, उसको उतना ही भक्ति में, उसको भजन में रुचि, नहीं तो उसको सब जीरो हो जाएगा। भले ही दूसरे दूसरे धर्म को जो जितने अच्छे तरह से क्यों जाने कर कथा मृत्यु नहीं, कहते पंड श्रम श्रम, हाँ उसका पंड श्रम श्रम, उसका श्रम सब बेकार हो जाएगा, है। इसलिए यहाँ कहते हैं
मम पीर जन हृत कर्ण रसायन, हृदय और कान को ये रस देने वाले ये कथा है रसायन कथा। हाँ बल भक्ति भक्ति जो जीवन को पूरा पूरा भक्ति जीवन को ये हरी भरी कर देता है और भक्ति जीवन को एकदम स्ट्रांग बना देता है, स्ट्रांग बनाते अगर सही सही साधु संग हरी कथा सुने ना फिर तो व्यक्ति का जो भजन से चुत्त सहज में। इसलिए प्रभुपाद का एक उपदेश है, प्रभुपाद का 108 उपदेश में एक उपदेश है, मतलब जब जीवन में सबसे विपत्ति समय आए, कहते वो विपत्ति से हमें कौन उद्धार कर सकता है, कहते शुद्ध भक्तों का हरी कथा ही उसी समय हमें बचा सकता है। केवल शुद्ध भक्तों का हरी कथा में बचा देगा, कथा में इतने शक्ति इतने ताकत है, हैं? जैसे हम लोग मथुरा में जब रहते थे अगर कुछ इधर उधर कोई चीज हो जाए ना गुरु जी के कान में अगर कुछ पड़े ये ब्रह्मचारी का ऐसे है उसका कुछ मन ये सब चीजें गुरु जी के कान में जो पड़े ना फिर गुरु जी ठीक वैसे ही कथा करते थे, कथा करके फिर क्या कर देते थे जिसका थोड़ी बहुत मन इधर उधर हो ना फिर उसका हृदय में भक्ति की संचार फिर रसायन पिला देते थे, रसायन पिलाने से फिर कथा रूपी फिर उसका जो भक्ति है ना एकदम दृढ़ हो जाता था, भक्ति दृढ़ हो जाती थी। इसलिए रसायन कथा है, इसलिए रसायन उसको पीने से क्या होगा, लताजो सना अस अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिसति। कथा सुनने से धीरे धीरे जल्दी से जल्दी क्या होगा, कथा सुनते सुनते पहले कथा के श्रद्धा होगी है, उसके बाद में फिर भाव रति, फिर कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति उसकी प्रेम प्रकट हो जाएगी। तो अ प वर्ग वर्तनी, प वर्ग मतलब प प व व और म है, इसलिए प मतलब परिश्रम, प मतलब भेड़, बोले प मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म माँ मतलब होता है मृत्यु। कभी ये सब जिस सब के सब ये चीज क्या होगा सब नष्ट हो जाएगा तुम्हारे, बोले प प मतलब होता है परिश्रम है परिश्रम। इसलिए आप देखना एक गृहस्थ व्यक्ति भी परिश्रम करता है और एक भक्त भी परिश्रम करता है, है? एक भक्त भी परिश्रम करता है, गृहस्थ व्यक्ति परिश्रम करता है, है? परिश्रम करता है, लेकिन ये भक्त किसके लिए करता है, दुनियादारी के लोग किसके लिए करते हैं, संसारिक लोग दुनिया लोगों के लिए करते हैं, दुनिया लोगों के लिए करते हैं, लेकिन भक्त लोग किस लिए करते हैं, भगवान के लिए। खेती में जाकर क्या साग लगा रहे हो, है वहां पर भिंडी लगा रहे हैं और क्या लगाए वहां पर मिर्च लगा रहे हो और मिट्टी खोद करके फेंक रहे हो, इसलिए वहां पर लेकिन कर रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हैं। इसलिए प फ मतलब होता है फेण, फेण मतलब होता है झांक, कभी कभी इतने परिश्रम करते हैं ना मुंह से झांक निकल जाती है, हैं? देख घोड़े को देखा ना झांक निकल जाती है, इतना कभी कभी परिश्रम करते हैं, हैं? लेकिन एक संसार भी करता है कि भक्त भी करता है, लेकिन एक जो भक्त जो करता है इसलिए भक्त मनो ठाकुर क्या कहते हैं, बोले तुम्हार सेवाय दुख है जाता से परमा सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशया विद्या दुख प्रभु आत्मा निवेदन तू आप करी आई नो परम सोखी दुख दूरे गला चिंता न रहिला सभी के आनंद दे। जब आप भगवान के लिए करिए बोले तुम्हार सेवा दुख है जत से तो परम सुख, भगवान के लिए अगर हम परिश्रम करते हैं दुख होता है तो परम सुख का कारण है। जैसे समझो जैसे घर में कोई एक मालिक है, घर में मालिक है, घर में एक नौकर है, अगर वो मालिक देखता है नौकर दिन भर काम करता है, क्या करता है दिन भर काम एकदम सही दिन भर काम करता है, अगर वो मालिक अगर कुछ नौकर को देना चाहे तो बेटा तुम अच्छा काम खुश हो जाएगा नहीं घर को ठीक ठाक, अगर वो बोले भैया कुछ पैसा लो, बोले कोई पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा के पास आपका घर का काम करो बस
आपकी सेवा करूं। अगर बोलेगा तो बताओ वो माली का मन क्या होगा, बोले क्या होगा माली का मन, उसको प्रति और भी आसक्त हो जाएगा। अरे इतना काम करता है घर का है और कुछ देने पर भी लेना नहीं चाह रहा है, कहते नहीं अपनी सेवा ही करूं, उसको सेवा ही करूं, फिर तो क्या होगा मालिक इतना रही जाएगा, इतना रही जाएगा ना बेटे से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर देगा। अगर कहीं गिर पड़ा, कहीं दिक्कत हो गया, स्वयं वो जा करके उसको उठा करके लेकर के है हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, सुख दुख को जितना देनी चाहिए उससे ज्यादा देना शुरू कर देता है। कहते उस तरह ठाकुर जी घर के मालिक है, इसलिए न धनम न जनम न सुंदरी कविताबा जगदीश कामय मम जन्मन जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति अही। तो कि ठाकुर जी हमें धन जन पुत्र परिवार जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर में आपकी चरण की हमें भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान जब प्रह्लाद महाराज को देने के लिए चाहा ना, बोले प्रभु हम थोड़ी बढ़िया है, हैं 100 रुपया दिया, 100 रुपया का सामान दे दिया, प्रेम खत्म है। इसलिए सभी बणी न भृत्य कहते नौकर नहीं, वो बनिया है, वो बनिया है जो मांगता है। इसलिए अगर ठाकुर जी देखे भैया ये ब्रह्मचारी दिन भर मंदिर का सेवा करता है, ऐसे नहीं एक सेवा कर लिया दूसरे सेवा कर, और कोई नहीं मैं अकेला हूँ सेवा करने वाली, उसको बोलता नहीं, वो कुछ नहीं करता, दिन भर हमें बोलते रहते है? हमें बोलते नहीं, ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। सेवा कभी गिन करके नहीं करनी चाहिए, सेवा जी भर करके है, जी भर करके ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी देख रहे हैं ना, ठाकुर जी देख रहे हैं, जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना करेंगे ना उनके लिए उतना ही मिलेगा। इसलिए ठाकुर का सेवा कभी गिन करके नहीं, जितना हो सके उनके लिए करोगे ठाकुर उतना ही हमें देंगे है, उतना ही ठाकुर जी देंगे हमें। इसलिए कह रहे हैं हाँ क्या करनी चाहिए, क्या बोल, इसलिए कहते अप पर प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, प मतलब व्यर्थता है, व्यर्थता। लेकिन जब भाई साधु संग करते हैं फिर क्या होता है, वो सब कुछ गुरु वैष्णव भगवान के लिए, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करते हैं, लेकिन उसका जो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अभ मतलब होता है भय और म मतलब होता है मृत्यु है, भय भय भक्तों का कोई भय नहीं है, बल्कि काल चक्र डराई देखिया विष्णुदास, स्वयं भय जिनको देख करके डरता है वो भय को नहीं डरते, भय स्वयं काल जिनको देख करके स्वयं डरते हैं। और मां मतलब होता है मृत्यु है, वो मृत्यु को भी पार कर लेते हैं। तो उदाहरण देते हैं, बोले क्या साधु क्या मरते नहीं, साधु भी तो मरते हैं, मरते नहीं कि नहीं साधु बताओ, साधु भी मरते हम भी मरते हैं, कहते नहीं साधु का मरना हमारे मरने में बहुत फर्क है। उदाहरण दिया बिल्ली का, उदाहरण दिया बिल्ली, देखे हो कौन कौन देखा बिल्ली, सब देखे हो बिल्ली। इसलिए बिल्ली जब बच्चा देता है देखना, वो बिल्ली क्या करता है बच्चे को मुंह में पकड़ करके ना 10 बार एक जगह पर नहीं, देखना बिल्ली का स्वभाव है, वो बच्चे को 10 बार जगह बदलाएगा, मुंह में पकड़ कर वहां से वहां ले जाएगा, फिर वहां से वहां ले जाएगा, 10 बार बदलाएगा घर में, एक जगह पर बच्चे को नहीं, यहाँ से यहाँ दिन भर उसको घुमाते रहेगा। और जब मैया बिल्ली को पकड़ता है ना, मैया बच्चा बड़ा खुश होता है, क्यों मैया पकड़ रहा है, जैसे मैया गोद में बच्चे को गोद में ले, बच्चा बड़ा खुश होता है। कहते उसी मुंह में वो अपना बच्चे को पकड़ता है, लेकिन उसी मुंह में जो चूहे को पकड़ता है, हैं जो चूहे को पकड़ता है, पर चूहा को पता चलता उसकी मुंह में कितने ताकत है, उसको उसी मुंह में उसको प्राण ले लेता है, हैं उसको प्राण ले लेता है। कहते उसी तरह काल साधारण व्यक्ति को भी काल ग्रहण करता है, उसको भी पकड़ता है मारता है, लेकिन भक्तों को भी, भक्त भी मरते हैं, लेकिन भक्तों का जीवन कैसे है, बोले अनासन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। लेकिन ये भगवान की भक्ति भजन करने का नाते इनका जो मृत्यु है सहज मृत्यु है, ये बिना कष्ट से बिना परिश्रम से बस भगवान का नाम लेते 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 पास भगवान को पास में चले जाते हैं। इसलिए अपवर्ग वर्ग मनी बोले श्रद्धा रति भक्ति अनुश्रम सती, पहले श्रद्धा फिर भाव फिर उसको प्रेम। इसलिए भगवान कहते माँ क्या करो, मेरे भक्तों का संग करो, मेरी कथा सुनो, बस इसी से ही
इसी से ही जीवों का कल्याण हो जाएगा, इसी से ही जीवों का कल्याण, इसी में और कोई कल्याण है नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भक्तों भक्त वत्सल भगवान की, मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज थोड़ा ज्यादा थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, आज एकादशी है, हैं? इसलिए आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं, आज एक माला करने से 100 माला करने का फल मिलता है, इसलिए आज हम थोड़ी सी ज्यादा भगवान का कीर्तन करेंगे, आज एकादशी व्रत है, इसलिए सबके सब कीर्तन करो। भारत माई के बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, आ जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama.
Thank you.
Thank you.
महाराज के।